निकाल को आपने कभी प्रिंट निकाल ज्ञान से देखा होगा, तो उसमें क्या रहता है कि आप बिना सेट पेज किया जैसे ही निकालते हो वो ऑटोमेटिक दो या तीन पेज में आ जाता है, और आपको बोला गया सिर्फ और सिर्फ एक पेज के अंदर चाहिए। क्या बोला गया? एक पेज का। तो एक पेज के अंदर करने के लिए क्या करना, तो आपको जाना पेज सेटअप के लिए, जैसे ही आप जाकर क्लिक करते हो आपके सामने इस प्रकार का पूरा ऑप्शन मिल जाएगा। अब सबसे पहले पूछा जा रहा पेपर, और उसके अंदर भी पेपर की साइज कौन सी, पेपर की साइज कौन सी, तो साइज में जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे पेपर के टाइप आते हैं। आपने देखा होगा बहुत कभी क्या पचन के अंदर आप देखा बहुत सारे ऐसे लंबे लंबे पेज होते हैं, कभी थोड़े छोटे होते हैं। आप स्टाम्प में देखा होगा सिर्फ स्टाम्प 50 रुपये का था, 100 रुपये का था, 1000, 2000, 5000, 3000, लाख, 1.5 लाख तक के भी आते हैं। लेकिन अपने यहाँ पे देखें सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपये का, इससे ज़्यादा अपने यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और बड़े बड़े जो डीलर होते हैं वो ज़्यादा महंगे का इस्तेमाल कोई करता नहीं, तो वो लेटर होते हैं अलग रुपये। आपको क्या करना है यहाँ पे साइज आपको कौन से यहाँ पे सब देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले दी A3, यानी कि आपका जैसे बी होता ना बी उसकी साइज होगी A3 और A5 तो ध्यान में A5 भी क्या होता है, ये पूरी बी बुक का लेटर जितना होता है। दूसरा होता है A3 और A4 आपका सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पेज होता है, सबसे ज़्यादा चाहे आप किसी भी ऑफिस में काम करो और A4 सबसे पहले आए, यानी कि जो आपकी प्रिंट निकाल देते हैं आपको फोटो कॉपी वो आप A4 के अंदर होती है। और अगर लेटर यहाँ लिखे होते हैं वो लंबे पेज होते, उससे क्या होते हैं 4-5 इंच लंबे ही होते हैं, तो वो अलग होते हैं। जैसे कि आप उसके बाद आता है B4, ये भी आपका B के बराबर होता है। B5 है इनलॉक, आपको पता है लिफॉप आता है आप लिखा होता है जिसके साथ ही होती है कोई कार्ड छपता है, वो कार्ड इसमें अंदर आपको साइज के अनुसार बना तो आप इसकी साइज दे। उसके बाद